अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोगों के लिए सॉल्व किए थे, आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको दोबारा जो है वो ए और बी के इक्वल ले लिया। अब आप क्या करेंगे जो है इनका ऑर्डर देख लेंगे यहाँ पे कि क्या आ रहा है। रॉज आपके पास हैं 2 और कॉलम आपके पास हैं 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास 2 रॉज हैं और कॉलम कितने, 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे ये जो फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है इसमें आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और सेकेंड में नंबर ऑफ रॉज को। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि आपने किस तरीके से जो है वो इनको आइडेंटिफाई करना है या चेक करना है कि ये देखें, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, मैट्रिक्स की बेसिकली यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन कहाँ पॉसिबल है और कहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम हैं और इस मैट्रिक्स में 2 रॉज हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखें ये फर्स्ट रॉ इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 1 3, बल्कि पहले इस तरीके से लिख लें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए इस मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉलम था, तो ये इतना ही लिखेंगे आप इसको इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास देखें ये सेकंड रॉ है, ये सेकंड रॉ भी इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से, ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरीके से ये सेकंड रॉ जो है वो भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 प्लस 2 2 4 एंड 7 1 7 प्लस 8 2 16, 4 and 3 7, 16 plus 4 20 23, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे अभी आपने जो है वो इनको ए और बी ले लिया, 2 रॉज हैं 2 कॉलम हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 रॉज और 2 कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल है, नंबर ऑफ रॉज भी, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। यही चीज में देखें आपसे पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे यही चीज कही थी कि जब 2 × 2 का ऑर्डर होगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा इनकी मल्टीप्लीकेशन। अब ये देखिए ये फर्स्ट रॉ इस फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, किस तरीके से ये देखें, 3 × 0, बीच में प्लस साइन आएगा, फिर 2 × 1। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी रॉ इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसी रॉ को इस सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरीके से, 3 × 1 इस तरीके से आप गैप करके लिखेंगे, प्लस 2 × 0। ठीक है, इस फर्स्ट रॉ को आपने टर्न बाय टर्न जो है इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो वो इस तरीके से यहां लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। इसी तरीके से जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो थोड़ा गैप देके आप इस तरीके से कॉलम की सूरत में लिखेंगे, यानी कि ये अलग कॉलम है और ये एक अलग कॉलम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरी रॉ सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 0 से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी तरीके से आप इस सेकंड रॉ को भी पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 × 0 प्लस 1 × 1। इसी तरीके से ये सेकंड रॉ इस सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, मींस 4 × 1 प्लस 1 × 0। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए लास्ट के नंबर आपके सब जगह सेम ही होंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए ये 3 और 4 आपको यहां नजर आ रहा है, ये 3 और 4। इसी तरीके से ये 2 और 1, ये 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, अगर ये सब सेम आ रहा है इस तरीके से तो इसका मतलब ये कि जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई मिस्टेक आपसे नहीं हुई, ये लास्ट के डिजिट सब में सेम होंगे। ठीक है, अब ये देखें ये क्या हो जाएगा, 3 0 0 प्लस 2 1 2, 4 0 0 प्लस 1 1 1। इसी तरीके से 3 1 3 प्लस 2 0 0, 4 1 4 प्लस 1 0 0। अब आप इनको ऐड कर लें, 0 में कोई चीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है। ठीक है, अगेन आप इस पूरी रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5, बीच में आएगा प्लस साइन। अब ये देखिए यहां पर ये है -5, तो आप -5 को ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, दो साइंस कभी भी इस तरीके से नहीं लिखे जाते, तो आप क्या करेंगे, इस -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, -5 × 0। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपने। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, यही रॉ इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 6 × 2 प्लस -5 × 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ये सेकंड रॉ, 7 × 5 प्लस -4 × 0। नेक्स्ट है आपके पास 7 × 2 प्लस -4 × 1। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगेन आपके पास ये 5 आ रहा है, 0 2 1, 6 7 6 7, -5 −4 −5 −4। ठीक है, अब ये देखिए आप इसे लिखेंगे किस तरीके से, 6 5 30। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस इस तरीके से लिखना है आपने, 5 0 क्या हो जाएगा 0, 7 5 35 प्लस माइनस माइनस, 4 0 0, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, 5 1 5
एंड 7 2s are 14 प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4। यहाँ पे देखें 30 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। 12 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 14 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ सिंपल आपने क्या करना है, इस 3 को जो है उस पूरे ब्रैकेट के साथ या इस पूरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बाहर था, ठीक है, 3 जो है वो 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है वो 0 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस इसको इस तरीके से जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5s are 15, 3 0s are 0, 3 6s are 18 एंड 3 1s are 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ आपको जो है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरह जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से अब 10 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन पॉइंट जीरो आ रहा है, ठीक है। 10 को जब आपने 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 1.0 मीन्स 1। इसी तरीके से आप 10 को जब 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आएगा मीन्स 6। ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा आपके पास और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है वो उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है 7.3 के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।